अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज का व्लॉग फाइनली डिफरेंट होने वाला है। बैक टू बैक वो स्नो माउंटेन्स वगैरह आ रही थी, आज का व्लॉग डिफरेंट होगा। आज के व्लॉग में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का बाजार, एंड हम लोग ड्रेसअप होंगे एज क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ का जो ट्रेडिशनल होता है ना, वैसे ड्रेस होंगे, वैसे ड्रेसअप होंगे। मैं नाम भूल गई क्या बोलते हैं उसे, बट इट्स लाइक अ ट्रेडिशनल ड्रेस। सही है, लेट्स सी आज मस्त में कैसे लगती हूँ। वो पराठा है, पराठा है आज। लो माय डाइट इन कोमा गाइस। चलो चलते हैं नाश्ता करने के लिए, आप लोग दिखाती हूँ नाश्ते में क्या है। ठीक है गाइस, ये चेक करो, ये फुल, ये चेक कर रहे हो तुम लोग, ये पानी दिख रहा है, ये फूल जो नीचे गिर रहा है, देखो कितनी स्पीड में गिर रहा है। ये फूल जो है, ये बारिश नहीं, ये कल रात स्नो जमी थी एंड हम लोग अपने रूम में थे एंड हमें इतनी तेज ठंड लग रही थी और हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो रात में इतनी स्नो जमी है कि यहाँ तक आई है, इसके ऊपर भी स्नो जमी है। तो अभी जब ये सूरज निकला है तो ये पिघल के नीचे गिर गई थी। सो भाई ये रहा नाश्ता, ये तो मैं नहीं खाऊंगी, ये मम्मा को दे दो। ठीक है, और ये खा लूंगी मैं पराठा। आलू का है या गोभी का है पता नहीं, आलू का है। ओके ओके, चलो गाइस ये अभी हम सब बैठ के नाश्ता करेंगे। सो ये रहा पराठा आलू का, दिख रहा है। अब मैं बहुत हिम्मत करके एक ग्लव उतारने लगी हूँ। इतनी ठंड हो रही है यार, किसी से बिल्कुल दिल नहीं करता उतारने का, दूसरा भी उतारना पड़ेगा। बहुत ठंड है यार कसम से। मतलब विंटर अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं है, बस फैशन कोमा में गए हो, हेल्थ भी कोमा में गए हो, और बस कुछ फील नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे आप सुन हो, और हर टाइम डर रहता है कि बीमार हो जाएंगे, एंड हर टाइम बस ना डर ही लगा रहता है हर चीज़ का। अभी ठंडा हो गया गाइस पराठा। दीदी से क्या बोलते हैं? ओके, फुल ड्रेस का क्या नाम होता है? थकाली ड्रेस, थकाली ड्रेस। हाँ, आज मैं सुबह लोगों को बोल रही थी, मैं बोलते बोलते नाम भूल गई। सो गाइस ये थकाली ड्रेस, ये चोली है। वाह, चोली बहुत प्यारी। अरे यार ये थोड़ी चाइनीज वाइब दे रही है ना, ये सर्दी लगने वाली है बहुत ज्यादा। प्यारा है, ये भी प्यारा है ना, बहुत अच्छा लगा ना, तो मुझे भी प्यारा लगा। और ये चार पीसेस हैं गाइस, ये एक दो तीन चार पीसेस हैं, और भी होते हैं। हाँ शॉल, पांच पीसेस होते हैं, तो इससे फुल ड्रेस आपको खुद अच्छे से बनाना है। वाओ गाइस, ये चेक करो कितनी प्यारी है, ये बहुत फेमस है। ये मैंने देखा है को पहने हुए, ये इसका क्या मतलब है? ये मैंने बहुत देखा है लोगों को पहने हुए ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ। साथ पहनते हैं, वाओ ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा है यार। सो गाइस इसमें हमारी सारी चीजें थी और अब हमें स्टाइलिंग हो रही है। ये देखो, ये पता नहीं कैसे होता है, अभी हो जाएगी तो आप लोग कम्प्लीट लुक दिखाऊंगी। अयप्पी का भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। मम्मा कैसे लग रहे हैं अभी? अभी तो इनकम्प्लीट नहीं, कैसे लग रहे हैं गाइस? अभी देखो ये ऐसे होता है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, आई एम शॉक्ड, बट बहुत क्यूट लग रहा है। ये देखो गाइस, ब्लैक के ऊपर अब ग्रीन वाला लगा है। इतनी दफा दीदी ने मुझे घुमाया है, लट्टू बन गई मैं। ओके, थोड़ा बहुत हो गया, ये पिका हो रहा है। उफ, तो इस अच्छे से कर रही है यार, इतना मस्त रैप किया है कसम से मम्मा, बहुत मस्त रैप किया है, एकदम सैंडविच लग रही हूँ मैं। सो गाइस अभी लास्ट की लास्ट पार्ट है ना दीदी, शॉल, ये शॉल लास्ट पार्ट है, और अभी मैं ये पहनने लगी हूँ ज्वेलरी, फिर आप लोग अपना कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। गाइस हेलो बोलो, कैसा लग रहा है थकाली ड्रेस? अच्छा लग रहा है, ऐसा ही होता है ना। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं आप लोगों को फुल आउटफिट दिखाती हूँ, मम्मा की अपना पकड़ी तो आप लोगों को दिखेगा। ये फुल इतना क्यूट लग रहा है कसम से, ये सारे देखो ऐसे मुझे देख रहा है। ओके बाय बाय गाइस, बाद में आती हूँ। ओके बाय बाय गाइस, दिस इज माय थकाली लुक, और ये जो आउटफिट है ये
दीदी ने दिया है जो मैं आप लोगों को अक्सर ब्लॉग्स में दिखाती हूँ। उन्होंने मेरे लिए खुद चूज़ किया था कि ये वाला, और इतना प्यारा लग रहा है मुझे, सब में अच्छी ना इसकी ये लग रही है, और मुझे बिल्कुल ठंड फील नहीं हो रही है इतना। अभी अभी देखो कितनी तेज़ हवा चली थी कि मुझे बिल्कुल ठंड फील नहीं हो रही। और मेरी ज्वेलरी चेक करूँ यार, ये वाला इतना हैवी है लेकिन बहुत क्यूट है। आई लव दिस कॉइन्स वाला। मैंने इतनी लड़कियों को देखती थी टिकटॉक पर कि वो पहनती थी ये वाला। मेरा तो ड्रीम था कि मैं ये पहन के ना टिकटॉक बनाऊँ। आज ड्रीम पूरा हो गया। ये फुल लुक उन्होंने मुझे क्रिएट करके दिया है, देखो। ओके गाइस, इसमें मैंने बहुत सारी टिकटॉक बनानी है, इंस्टाग्राम की मस्त पोस्ट आएगी, वो सब चेकआउट करना। मैं दोनों अपना टिकटॉक और इंस्टाग्राम आप लोगों को मेंशन करके बता दूंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी के पुराने घर में, वहाँ पे टिकटॉक बनाएंगे। उन्होंने बोला है कि जो थकाली कल्चर होता है, जो वहाँ का ट्रेडिशन होता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर मस्त चीज़ आप लोगों को मैं दिखा भी सकूँगी, मैं खुद भी एक्सप्लोर कर लूँगी। सो चलता तो जो होटल है, ये हमारा होटल है, और ये वाला दीदी का घर है। ये जो है ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इतना दूर नहीं है। ये दीदी वाला है ना, ये वाला देखो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अभी चलकर देखते हैं कितने साल पुराना है। अली जानो, ये पुरानी घर है, 200-300 साल पुरानी घर। ओह माय गॉड, अंदर चलिए तो अंदर तो अच्छा। देखो गाइस, अंदर अच्छा अच्छा, बाहर से ऐसा लग रहा था। ओ यार, घर चेक करो, 200-300 साल पहले लोग ऐसे रहते थे। ओ माय गॉड, ये देखो घर देखो। अच्छा दुबई में भी है गाइस, वो भी ऐसा है। मैं आप लोगों को ना वहाँ का भी टूर करवाऊंगी। देखो कैसे दरवाजे चेक करो कैसे बने हुए, छोटे छोटे से। मैं सोचता पहले जमाने में कि ना लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ये देख के तो मुझे शक होता है। वाह, ये तो ये रूम होगा। ये सिटिंग रूम, ये क्या, ये बेड है? नहीं, कुछ और ही लग रहा है। ये क्या है गाइस, पता नहीं ये क्या है। ये बेडरूम है, पता नहीं ये बेडरूम लग रहा है। ये अनदर शो का भाई, ये तो वो है म्यूजियम, म्यूजियम टाइप है। अच्छा ये पुराने जमाने का वो है। वाओ गाइस, अच्छा ऐसे खाना बनता था। ये हुक्का है क्या? शीशा नहीं, हाँ हुक्का लग रहा है। हमारे यहाँ तो सबका होता है। बर्तन है, सब पुराने बर्तन है यार। वाह, इसमें स्टोरेज, खाना अन्न और स्टोरेज करके रखने वाले मधु जैसे सब सामान स्टोर करने स्टोर के लिए। लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का पहले से बना हुआ है। जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज है यार, ये पुराने जमाने का फ्रिज। ओ माय गॉड, पुराने जमाने का फ्रिज गाइस। तो मिट्टी मिट्टी की खुशबू आ रही है, प्यारी वाली। इतनी ठंड है, इतनी खुशबू आ रही है कसम से इधर यार गाइस, मिट्टी वाली हसीन खुशबू है। सो गाइज, ये इनका घर है, आप लोग देख सकते हो, तस्वीरें भी हैं। अल्लाह कितना क्यूट लगता है ना कसम से, चेक करो। मैं आप लोगों को करीब से दिखा देती हूँ। ये ना हमारे पाकिस्तान में भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे ना हिस्टोरिकल जगहें बनाई हुई हैं। यहाँ की वाइब भी अलग है। एंड गाइज, यहाँ पर इतनी ठंड हो रही है, आपको ठंड महसूस हो रही है? ठंड लग रही है ना, मर्ड है। हाँ यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है। वाह, और ये क्या है? वो स्टोर रूम है, सेम ही है। अच्छा ये अल्लाह, इतना बड़ा स्टोर है गाइस, चेक करो। मैं अंदर तो नहीं जाऊंगी बट आप लोगों को यहाँ से दिखा रही हूँ। ये देखो कितना पुराना है, माय गॉड। यहाँ पे भी स्टोर है, इतने स्टोर। ओ माय गॉड गाइस, एक और स्टोर चेक करो। यहाँ पे तो ये पुराने जमाने की है पड़ी है। वाह, अच्छा आपको पता है ऐसा ना, मेरी उनके पास है क्या बोलते हैं, नानी के पास, एंड वो ना इंडिया से जब पाकिस्तान आई ना बस के अंदर, तो ये बैग के साथ आई थी, और जो ये बना हुआ है ना वो सोने से बना हुआ था, सोने। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट सोना लेकर नहीं आने दे रहे थे। अच्छा, हाँ तो इसके अंदर ना उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि छुपा के सोना लेकर आए थे। वो मुझे बताती हैं, सेम ऐसा उनके पास, इंडिया से आते ना। हाँ ये वो इंडिया से जब पाकिस्तान आई थी मेरी नानी जो है ना, मम्मा की साइड वाले, वो लोग उधर से ऐसे आए थे। गाइस यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। ये छोटी बच्ची सब में ज्यादा स्ट्रांग हम ये बच्ची है, सब कुछ नहीं होता माशाल्लाह। ओके, और चल के देखते हैं और कैसा है। और गाइस इसे क्यों बोलते हैं ना, क्यों? हाँ कुआ क्यों पता नहीं, ये मतलब जैसे कि फ्लोर, मतलब वीट होती है ना, हाँ तो कुछ वैसे ही है। सो गाइस ये जो घर है देख सकते हो, पूरा लकड़ी एंड देन मर्ड, दरवाजे चेक करो फुल, इतना एक तो पता नहीं यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, पूरा घर देखो। और वो एक बहुत पुराना ग्लास भी पड़ा है,
ये देखो कितना पुराना यार, ये पुराना है क्या यार? नहीं ये पुराना नहीं है, ये तो नहीं हुआ, बट ये सब भी पुराना पुराना, सब पुराना। अब मामा चलने की बदबू आ रही, देखो हाँ ये देखते हैं, ये देखो अंदर किचन का साइड, ये क्या हो रहा है? फैंस हैं जो मुझसे बाहर मिलने के हैं, मेरे कप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग से भी दिखाया, वो खड़क के मेरा नाच आए थे, इस प्यारी लग रही हो, तो उनको मेरे साथ ना इस आउटफिट में पिक्चर लेनी है, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, तभी मैं उनके साथ पिक्चर्स बनाऊंगी। सेम लगते हैं क्या? ओके पिक्चर Yes. यार गाइस अभी मैं फुल शूट करके आई हूँ, वो तो आप लोगों को रील्स वगैरह में दिख जाएगा। ये चेक करो यार, कसम से इतनी हॉरर वाइब्स आ रही है मुझे, तो अब सब भाग के, पता है मैं और मम्मा ही खड़े हैं यहाँ पे छत। हाँ ये छत देखो गाइस कितने साल पुरानी है यार, ये चेक करो तुम लोग। एक एस्टिमेट उन्होंने बोला है कि 200-300 साल पुरानी है। जो फैमिली है ना दीदी की, उनके पर दादा का घर था ये, पर दादा का, दादा का भी नहीं पर दादा का घर था। वो जो पिक्चर्स मैंने आप लोगों को दिखाई। अब निकलते हैं यहाँ से अम्मी। अच्छी तो हवा से हुआ है, अलग बड़ी हॉरर वाइब आ रही है। चलो चलें बिस्मिल्लाह। और यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला घर नहीं जिस घर में मैं हूँ, ये वाला नहीं, ये सारे आसपास के जितने घर हैं ना 300-400 साल पुराने एकदम। देखो ना स्टाइल भी कैसा है, आज तो ठंड भी बहुत है। हाँ इस वाले को तो, इसका तो दरवाजा कितना ढस गया अम्मा जमीन में। हाँ लॉक हुआ एकदम, ढस गए घर पता है। चेक करो ये, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से हिम्मत से 300-400 साल पुराने घर के अंदर गई हूँ और एक्सप्लोर किया है, और आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस भी बनाई हैं जो बिल्कुल आप लोगों का कल्चर शो करती हैं, और ये ड्रेस भी। आज का ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है आज तो, बिस्मिल्लाह। चलो गाइस अब अंदर चलें, बिस्मिल्लाह। आ गए, देखो ज़रा कैसे पत्तियाँ यहाँ पर झूम रही हैं। गाइस मैंने चेंज कर लिया और वो वाला जो घर था, अब हम लोग होटल से निकल चुके हैं, उस वाले घर में अच्छी वीडियोस भी बना ली। रास्ता क्लियर करो। ओके करेंगे आई गेस, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम। सो गाइस आज हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और जो अभी मैंने ठाकली ड्रेस पहना था ना और आप लोगों को कल्चर दिखाया था, तो एक और भी ड्रेस है, उसको क्या बोलते हैं वो वाली ड्रेस को क्या बोलते हैं दाई, वो जो वहाँ पे पहनेंगे वो वाली ड्रेस को क्या बोलते हैं? तो वो भी मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी, ठीक है? और अभी मैंने चेंज कर लिया, मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, बहुत तेज हवा आज, अच्छा सांस में नहीं आ रही, देखो कितनी तेज हवा चल रही है। चलो अब मैं कार में बैठूंगी। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं, आप लोग को पढ़ने में आ रहा नहीं आ रहा ये देखो जरा। ओके मारफा हम लोग आ चुके हैं, अब एंटर हो रहे हैं। सही है, मैं तुम लोग वो रोड का रास्ता नहीं दिखाया, बिकॉज देखने के तुम लोग भी थक गए होगे, क्या इसमें दिखाती रहती है सूखी नदियाँ और ऑफ रोड रास्ते, तो मैंने बोला कि नहीं भाई आज नहीं दिखाती। अल्लाह इतनी तेज हवा चल रही है, मैं तोड़ दूंगी गाइस, बहुत तेज हवा है। ओह माय गॉड हाल देखो कितनी तेज हवा चल रही है। गाइस बहुत ठंडी ठंडी हवा और इतनी तेज हवा, भर लो पत्थर भर लो जेब में आयुष भाई, उड़ जाओगे आप। सो गाइस ये मार्फा की गलियाँ जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं आप लोगों में, आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी और कितनी हसीन है, और यहाँ पे भी बहुत पुराने पुराने घर हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, चेक करो कितनी प्यारी जगह। और यहाँ पे ना ये फ्लैग्स भी लगाए हुए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर को और हर चीज़ को, चेक करो इधर बिल्कुल लग रहा है। ये कौन सा, ये रेस्टोरेंट है? हाँ अच्छा ये रेस्टोरेंट, ओह वाओ अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है यार, सो प्रिटी। आप लोग यहाँ से ही देख लो कि कितना प्यारा व्यू है, सफाई भी इतनी ज़्यादा और ऊपर से व्यू चेक करो तुम लोग, कितना हसीन है, कितना प्यारा बनाया हुआ है, लग नहीं रहा यार कि नेपाल है कभी। देखो जो लोग बोलते हैं प्यारा नहीं है, प्यारा नहीं है, अमी है, ये चेक करो ये अमी है, चेक करो ये इतना प्यारा, ये डिज़ाइन चेक करो यार, इतना डिटेल्ड, डैम लुक एट दिस, इतना प्यारा कल्चर है। और गाइज ये चेक करो मस्तांग में इतने एप्पल होते हैं कि इन्होंने ये भी बनाया हुआ एक, ये इतना बड़ा और इतनी ऊंचाई पे बना है। आप लोगों को मैंने ये जितने भी ट्रीज दिखाए ना वो नीचे वाले वो सब एप्पल के हैं। व्यू इतना हसीन है ना आप लोगों को बता नहीं सकती, ऐसे लग रहा है जैसे कि ना
किसी मूवी के सीन के अंदर आ गई हूँ मैं, कसम से इतना हसीन लग रहा है। और इधर गेस्ट हाउस भी है, देखो गेस्ट हाउस वगैरह किसकी, हाँ स्किन की कारपेट चेक करो, हमारे घर में तो ऐसे फेक होते हैं ना, यहाँ पे फिर रियल है। सो ये है मार्फा ड्रेस, चेक करो कितना ब्यूटीफुल है। और ये वाली गली देखो यार, तुम लोग गलियाँ चेक करो कितनी हसीन है। देखो गाइस और भी गरम गरम कपड़े कितने लाइन से पड़े, वो तो फर्स्ट मार्केट थी और वहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं थी तो हम लोगों ने वहाँ से नहीं देखे अभी, और जहाँ पे अच्छी अच्छी वैरायटीज होगी वहाँ से हम देखेंगे। देख के डर मत जाना, एकदम से मेरी टोपी चेंज क्यों हो गई, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने मम्मा की ले ली ठीक है, और धूप लग जाती तो मेरे सर में दर्द होता है। ये देखो अरे परेश भाई लोग अंदर क्या कर रहे हैं पता नहीं, कुछ तो खरीदूँ मैं यहाँ से। यार गाइज ये चेक करो, आई थिंक ये फुल हैंडमेड होता है, ये किस ये क्या कहाँ पहनते हैं, ये पता नहीं इसे कहाँ पहनते हैं, गाइज कमेंट्स में बताओ क्या है ये तो क्या आप है इसका तो मुझे पता है। वैसे गाइज नेक्स्ट टाइम अगर मैं आई मुस्तांग, वैसे तो आऊँगी, मैंने शॉपिंग की, ओह व्हाट आयुष भाई लुकिंग लाइक आ पूरे में ऐसे ही घूमो भाई, वाह गाइस ये देखो अंदर ज्वेलरी टाइप पड़ी है शॉप के, ये खंजर, ओह माय गॉड यार ये रियल है क्या दीदी, आपको गुस्सा है आप किसी के अंदर तो नहीं डाल दोगे खंजर रखे हैं दीदी, डेंजर्स भी दिख रही है। ओके ये शॉल, ये क्या है रे, ये क्या है गाइस, ये वही है फेमस, ये वही है फेमस, यहाँ पे ना कुछ एप्पल का ऐसा मिलता है, पता नहीं एप्पल की अल्कोहलिक ड्रिंक होती है कुछ पता नहीं, बड़ी फेमस है। वाओ दिस इज सो प्रिटी यार, मुझे ये चाहिए, कितना प्यारा लग रहा है। ये सब नेकलेसेस हैं, कोई देख के बात नहीं करेगा ओ माय गॉड ये क्या है वो क्या है, तो ये सब नेकलेसेस हैं नॉर्मल, ओके बहुत प्यारे हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं, ये चेक करो, ये तो तस्बीह लग रही है मेरी बारी है, दीदी मुझे पहना रही है, ये देखो अच्छे से ऐसे पहना रही है मुझे, और ये इनका चेंजिंग रूम है छोटू सा क्यूट सा, मैं फिर आप लोगों को अपना पूरा लुक दिखाती हूँ करा के ठीक है, अरे इतनी क्यूट लग रही है आई अपे और रिश्वत का, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। छोड़ो ये ओके, तो हम तीनों रेडी हो गए, ये दानी और गले में ये दाल है, अभी मैं इयररिंग ढूंढ रही हूँ, मुझे इयररिंग नहीं मिल रही यार, यहाँ मैं ये वाले पहनने लगी हूँ अपने चेंज करके, कांगे मेरे वैसे मेरे भी जा रहे थे पर मैंने एक लुक इसमें क्रिएट कर लिया, सो अब मैं दूसरा पहन रही हूँ। तो गाइस हम लोग चेंज कर रहे थे एंड सारे बार वेट कर रहे हैं, तो आर्यन भाई भी तैयार हो गए, आप तो कुछ और ही लग रहे हो क्या, कुछ और ही लग रहे हैं ये, बोल रही हूँ तो चोरी लग रहे हैं, चोर नहीं कुछ और, हेलो हाय कैसी लग रही हो गाइस, ये देखो जरा दूसरे तारीफ कर रहे हैं अपने बुराई, हाँ सही है सही है। मम्मी इधर आओ,
मैं यहाँ पे वीडियो बनाओ अली इजो गाइस मैं बाहर गई थी एंड यू गाइस नॉट इमेजिन लोगों ने खींचना स्टार्ट कर दिया मतलब डर के ना वापस अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे ना ब्लॉकेज कर दिए दाई ने आई नो यू गाइस लव अस बट यार ये खींचते हो तो इतने में तो यहाँ पे बहुत जोर से लग गई है गाइस नहीं नहीं बस पीछे से डर रही है अभी तो गाइस कितना रश है गाइस बाय सारे लोग आज आज अच्छा वहां से वहां से वहां से गाइस मुझे लगा था ज्यादा 10-15 लोग होंगे अरे भीड़ लग गई पूरी गाइस बाय द वे मैं फुल ड्रेस हो चुकी हूँ ड्रेस अप हो चुकी हूँ और आप लोगों को आगे चल के फिर और अच्छे से दिखाती हूँ ठीक है अभी तो बहुत रश लगा हुआ है इस पे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी आएंगी वो आप लोगों ने जरूर देखनी है ओके अरे ईश्वर हमें सब कैसे जानते हैं कसम से ए कपड़ों का रेंट ज्यादा देना पड़ेगा थैंक यू क्या कह रहा है आज हमारे साथ गाइस पूरी गली पीछे भर गई है सो गाइस हम लोग यहाँ पे छुप गए हैं एक अंदर की जगह पे क्योंकि लोगों का तो खत्म ही नहीं अभी गली क्लियर हुई है कितना रश हो गया ना पूरा स्कूल ही आ गया ना टूर आया था ना स्कूल पूरा तो ऐसे सब आ गए पता नहीं कौन कौन अभी जब हम आए थे मैंने तो इतनी सुनसान गली देखी मैं खुश हो गई कि इतनी सुनसान गली अब तो मस्त वीडियोस बनाऊंगी जैसी ड्रेस है पूरी बाहर निकली पर खुशी भी बहुत हुई आप लोगों से मिलकर पर इतना रश देख के एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो गया और ब्लड प्रेशर तो जमीन पे गिर गया है ना यप्पी ओके तू बना ले अब सो गाइस ये थाली आ गई है वेज है हम सब की हम सब वेज खाने लगे हैं ये थाली है सो ये खा के फिर हम लोग बाहर जाएंगे वीडियोस पिक्चर्स के लिए एंड आई होपफुली जब तक रश भी कम हो गया लेट्स ईट यार गाइस यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है और खाना खाने के बाद हम मुझे गलियों में जाना था लेकिन नहीं जा पाए और यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है ओ मेरे हाथ गाइस बहुत ठंड है इन दोनों को तो देखो ऊपर से मेरे पास अभी कुछ जैकेट वैकेट भी नहीं है जहाँ ये ड्रेस पहने वहाँ वहाँ में मैंने ही अपना जैकेट उतार दिया वहीं भी चेंज रूम में ही पड़ा है जैकेट बहुत ठंड हो रही है सो गाइस मैंने वीडियोस बनवा ली हैं अपनी वहाँ पर वो वाली गलियों वाली जगह तो हमसे मिस ही हो गई रश की वजह से और ये देखो माइफा कितना प्यारा लिखा हुआ है गाइस इतनी तेज ठंड हो रही है जब निकलने लगे आई होप वो गलियाँ अब खाली हो गई हूँ तो मैं थोड़ी वीडियोस पिक्चर्स बनवा लूँ बाकी गाइस जितनी वीडियोस हैं जो कुछ भी हैं आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ठीक है इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे बार बार बोली जा रही बार बार प्रमोशन करी जा रही हूँ देख लेना आप तुम लोग फेक आईडी तो कसम से हाँ ये कांटे हैं सारे यार देख के चलना पड़ रहा है चलो गाइस अब आगे की अपडेट दूंगी आई एम बैक इन द शॉप मैंने जल्दी से चेंज किया है मुझे इतनी ज्यादा कपकपी शिवरिंग हो रही थी कि आई कुडंट वॉक और आई कुडंट डू एनीथिंग सो मैंने अपना सब कुछ चेंज करके और अपने जो मेरे कपड़े थे उनमें मैं आ गई हूँ ये थोड़ा बेटर फील हो रहा है बट स्टिल माई हैंड्स आर वेरी नम्ब एंड आई फील नम्ब आई डोंट नो व्हाई आई फील नम्ब सो लेट्स सी क्या होता है अब मैं वेट कर रही हूँ पीयूष भाई का वो लोग वीडियोस कंप्लीट करके यहाँ पे आएंगे फिर वो लोग भी चेंज करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे
So guys, we are back in our hotel and बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पे एक दिन भी और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. अरे हाय, बहुत ठंड हो रही है. मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं. मेरे लिए बहुत ठंड है. मेरे लिए नहीं यार, सबके लिए बहुत ठंड है. मतलब कम ऑन, -3, -4, -5 एंड देन बस ऊपर जाते हैं तो बस 3 तक जाते हैं या 4 तक जाता है टेम्परेचर. दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं. गया तो 5, बस 6 लास्ट है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा. तो कम ऑन यार, कहाँ मैं दुबई में रहने वाली वो 45, 46, 50 ऐसे देखने वाली. हमारे लिए पता है क्या होता है विंटर? बस 25 से नीचे आ गया, समझो हमारा विंटर हो गया स्टार्ट, दुबई वालों का. अभी ये सब देखकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए. थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे, ठीक है, और फिर बॉनफायर होगी. फिर वही डेली बॉनफायर के सामने तो बैठना ही बैठना है हम लोगों ने. बाकी अभी ये देखो, यप्पी आ गई. यप्पी देखो इधर. हाय, देखो आ गया पोलर बेयर. आ गया पोलर बेयर. मुझे नहीं जाना. गाइस, मैंने कर लिया पैकिंग अपनी खुद से. झूठ पे झूठ, ये पुश बैक. झूठ पे झूठ किया है. झूठी झूठी बकवास. और अभी वो लेकर आई हो वहां से. सो गाइस, मैंने कर लिया अपनी पैकिंग और बस बात बोलो. तो मैं अभी मैंने कर लिया पैक एंड मैं अब बनाने की. मेरे किसी एक फैन ने मुझे ला के दी थी. फैन मुझे दिया ना, मुझे चुप हम दोनों का था. तो ये तो पीती पीती नहीं है, तो मैं ये बना के पीऊंगी. ठीक है, कॉफी है, लेट्स सी कैसी बनती है. कहीं फैन मेरा बैन टैन ना कर दे. लेट्स ट्राई. सो गाइस, डब्बा खोलती देखो अंदर से कितनी ज्यादा चीजें निकली हैं. क्यों हंस रहे हो पागल हो? ये देखो गाइस, इसमें तो कॉफी हमारी बनेगी. ठीक है, ये अभी मैंने अपनी पैकिंग किया ना, तो थोड़ा सामान फैला हुआ. और ये है स्ट्रॉ. ठीक है, ये हाँ यू गाइस, ये है स्ट्रॉ एंड ये है पाउडर. क्या लिखा है? ओरिजिनल फ्लेवर मिल्क टी. ओके, और ये है चीनी. और ये है बिल्ली की टट्टी. ये क्या लिखा है? तो बिल्ली बनी और क्यूब्स. बिल्ली की टट्टी नहीं, बिल्ली की क्या है ये? बिल्ली का खाना होगा. पता नहीं गाइस, मैं तो इतनी एक्साइटेड थी. अंदर से कुछ तो निकला गाइस, कुछ तो है. ओह माय गॉड, जेली है. बिल्ली, ओह शिट, गिर गई. गाइस, इट्स नॉट बिल्ली की टट्टी. आई विल मेक एंड आई विल कम बैक. सो गाइस, ये बन के कुछ इस तरीके से लग रही है. अच्छी लग रही है बहुत ज्यादा. अब ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई ये गाइस. हां बहुत, एक बार ट्राई करो एक बार. तुम्हें मेरी कसम, बस अच्छा ईश भाई कसम. What a beautiful reaction. So guys, हम सारे बैठ के अभी खाना खा रहे हैं. आज का खाना भी सेम ही है. और अभी खाना खाकर रूम में जाकर मैं व्लॉग एडिट करूंगी. एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग. मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग. और बस सब लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. ठीक है, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.